हेलो गाइस, फिर से हाजिर हूँ एक नई शानदार बम्पर वैकेंसी के साथ, जिसमें डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई, फ्रेशर बिल्कुल ही एलिजिबल है। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है, इसमें लगभग सभी ब्रांच के लिए वैकेंसी रखा गया है। ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के तरफ से, देख सकते हैं इसमें बम्पर पोस्ट पर वैकेंसी निकला है। तो चलिए हम इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर चलते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो आप डायरेक्ट इस पेज पर रिक्रूट कर दिया जाएगा। तो आप फर्दर जब डाउन करिएगा तो यहाँ पर देखिए डिटेल से लिखा गया है, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट 2023। सबसे पहला पोस्ट की बात करें तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इसमें आपको लेवल 5 का सैलरी 29,000 से 92,300 दिया जाएगा। मैक्सिमम एज 27 साल रखा गया। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 और अप्लाई नाउ के बटन पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं इसे डायरेक्ट। उसके बाद देख सकते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपको लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 रखा गया है। अगला जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें भी आपको लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। एज इसमें मैक्सिमम 27 साल रखा गया। रिलैक्सेशन आपको एज पर रूल्स मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। यदि आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करके फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो वैकेंसी देख सकते हैं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इसके क्वालिफिकेशन की हम डिटेल से बात करेंगे, जिसमें डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई सभी के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए है। 3 वैकेंसी, इसमें 1 वैकेंसी रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी निकला हुआ है। ये जो बिल्कुल है गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो चलिए हम इसके क्वालिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन पर सिंपल सा क्लिक करना है। तो देखिए एक नया पेज खुल के आ गया, जिसमें डिटेल से सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम एज 27 साल रखा गया है। आपको रिलैक्सेशन एज पर रूल्स मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है डिप्लोमा ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस आपके पास होना चाहिए, और आपके रिलेवेंट फील्ड में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और डिजायरेबल में दिया गया है। तो इससे आपको कोई खास इशू नहीं है। इस प्रकार से देख सकते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ओनली आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और इसमें आपके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में 2 इयर्स आईटीआई सर्टिफिकेट और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। फर्दर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं बीएससी, बैचलर ऑफ डिग्री सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है। यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट, टाइपिंग वालों के लिए भी वैकेंसी है। मल्टी टास्किंग स्टाफ, इसमें भी आप देख सकते हैं आपके पास 10th पास और टाइपिंग होना चाहिए। और मल्टी टास्किंग स्टाफ टेक्निकल में आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर फर्दर देख सकते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी है। तो कई सारे पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी रखा गया है। यहाँ पर फर्दर आपको आना है और अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जो वैकेंसी बिल्कुल ही ऑथोराइज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर टेकिंग में आता है, देख सकते हैं एन एटोमोनस इंस्टीट्यूट अंडर डीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो साइंस टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। टेक्निकल फील्ड में कोई सा वैकेंसी आता है मैं उसको मिस नहीं करता हूँ। यदि आप भी चाहते हैं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएँ।